नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं प्रियंका। सबसे पहले बात करेंगे आज की हेडलाइंस की। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की बड़ी घोषणा, आंगनबाड़ी आशा को 10 मंगल दल और एसएचजी को मिलेंगे 15,000 रुपए। उत्तराखंड में सियासी सस्पेंस हुआ खत्म, नहीं होगा नेतृत्व परिवर्तन, विधायक दल की बैठक भी चली। हरिद्वार कुंभ में बुधवार से 3 दिन मेला क्षेत्र में कोविड रिपोर्ट के साथ ही मिलेगी एंट्री, 10 से 12 मार्च तक सभी सख्त नियम लागू रहेंगे। हरिद्वार महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए चलेगी शूटल सेवा की 100 बसें, लगाए गए कुंभ के स्टिकर, 50 किलोमीटर की परिधि में चलाई जाएंगी शटल बसें। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में जारी बर्फबारी, बद्रीनाथ में 7 और औली में 4 इंच तक की जमी बर्फ। हरिद्वार में महाशिवरात्रि पर स्नान से पहले जाने होंगे नियम, 72 घंटे पहले आरटीपीसीआर जांच की नेगेटिव रिपोर्ट के साथ लाना जरूरी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे नैनीताल के शैल हॉल में। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला सशक्तिकरण सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में बोलते हुए डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि महिला सुरक्षा को लेकर बेहतर तरीके से काम करने होंगे। नैनीताल में एक वुमेन एम्पावरमेंट पे, महिला सुरक्षा पे सेमिनार करने जा रहे हैं और जो योजनाएं हमारी हैं, पहले से बहुत अच्छी योजनाएं चल रही हैं, उनको एक सिंगल एक सूत्र में पिरोएंगे हम अगले आने वाले एक महीने में, 31 मार्च से पहले पहले वो हम उत्तराखंड पुलिस की एक योजना लॉन्च कर देंगे। एक तरफ जहां उत्तराखंड की राजनीति में हलचल का माहौल है, तो वहीं दूसरी ओर इन सब के बीच आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया देहरादून पहुंचे हैं, जहां उन्होंने के न्यूज इंडिया से की खास बातचीत। आगामी 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी द्वारा बनाई गई रणनीति के बारे में बताया। इस दौरान क्या कुछ कहा पार्टी की आगामी रणनीति के बारे में, इसी को लेकर के न्यूज इंडिया संवाददाता अशोक कुमार प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया से खास बातचीत आपको सुनाते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस टाइम बाई इलेक्शंस नहीं चाहता, कोई भी ये नहीं चाहता कि 2 महीने 3 महीने के लिए कोई विधायक चुने। निश्चित तौर पे सही समय आएगा तो नाम भी उजागर होंगे और साथ ही साथ मेरा ये मानना है कि सबसे पहले मीडिया के बंधुओं को जरूर बताएंगे कि कौन कौन लोग हैं जो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि उस टाइम जो संख्या बताई गई थी वो कन्फर्म्ड संख्या थी, लेकिन जैसी राजनीतिक परिस्थितियाँ अभी बन रही हैं मुझे लगता है कि संख्या और बढ़ेगी। क्योंकि इस पूरी की पूरी जो सरकार है, इसको कोई राजनीतिक नेतृत्व नहीं है, इसकी पूरी की पूरी जो सरकार है वो कुछ ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं। विधायक और मंत्री परेशान हैं, असंतुष्ट हैं, क्योंकि वो अपनी जो जनता है उसका काम नहीं करा पा रहे। भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों और बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस प्रदेश भर में जन आक्रोश रैली निकालने जा रही, जिसकी शुरुआत 14 मार्च को श्रीनगर गढ़वाल से की जाएगी। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। जन आक्रोश रैली की तैयारियों को लेकर आज उत्तराखंड कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने बैठक की। इस दौरान प्रीतम सिंह ने कहा कि इस जन आक्रोश रैली के माध्यम से कांग्रेस भाजपा सरकार की 4 साल की विफलताओं को जनता के सामने रखेगी और सरकार को आईना दिखाने का काम भी करेगी। कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि हम जन आक्रोश रैली के माध्यम से उत्तराखंड की आम जनमानस के बीच जाने का काम करेंगे और इसकी शुरुआत श्रीनगर गढ़वाल से हम करने जा रहे हैं। 14 मार्च को जो है श्रीनगर में जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया है, जिस जन आक्रोश रैली में बड़ी संख्या में कांग्रेस के लोग और आम जन जो है प्रतिभाग करने का काम करेंगे।
खटीमा क्षेत्र के पकड़िया गांव में एक निर्माणाधीन मकान में खड़े टुक टुक से बैटरी, साउंड बॉक्स व अन्य सामान चोरी होने का मामला प्रकाश में आया है। बताते चले कि पुलिस के सख्त रवैये और निगरानी के बावजूद भी चोर क्षेत्र में आए दिन चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इसी क्रम में चोरों ने गांव के एक व्यक्ति के निर्माणाधीन मकान में खड़े टुक टुक से बैटरी, साउंड बॉक्स तथा अन्य सामान पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित की तहरीर पर झनकैया थाना पुलिस के चोरों को गिरफ्तार कर कार्रवाई करते हुए संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में 2500 पदों पर स्टाफ नर्सों की भर्ती के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य निदेशक को नोटिस जारी किया है और 4 हफ्तों में जवाब दाखिल करने का आदेश देते हुए कहा है कि जो भर्ती इस विज्ञप्ति से होगी वो हाईकोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी। आपको बता दें कि सरकार ने 9 फरवरी 2021 को 2500 पदों पर स्टाफ नर्सों की भर्ती शुरू की थी। इस भर्ती में बीएससी डिग्री नर्सिंग व डिप्लोमा GNM को शामिल कर स्टाफ नर्सों की नियुक्ति में दोनों की एक ही परीक्षा आयोजित की थी और उसी के मेरिट के आधार पर नियुक्तियां होंगी। इसको संगीता सिंह समेत 29 ने इस भर्ती प्रक्रिया की चुनौती भी दी है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि एक डिग्री और डिप्लोमा दोनों के एक ही परीक्षा में हासिल करना और नियुक्ति उसी आधार पर करना गलत है, क्योंकि डिग्री बीएससी नर्सिंग वाले डिप्लोमा वाले लोगों को पढ़ाते हैं। दोनों के एक साथ एक संयुक्त परीक्षा आयोजित करके उसकी मेरिट के आधार पर सिलेक्शन प्रोसेस की जा रही थी स्टाफ नर्स के अपॉइंटमेंट में, जिसको हमने माननीय न्यायालय में चैलेंज किया था। ये कहते हैं कि डिग्री और डिप्लोमा दोनों अलग अलग हैं, दोनों को एक साथ, दोनों की मेरिट एक साथ तय नहीं की जा सकती है, जबकि जो बीएससी नर्सिंग वाले हैं वो जेएनएम वालों को पढ़ाते भी हैं। तो ऐसी स्थिति में एक जो डिग्री होल्डर हैं और जो डिप्लोमा होल्डर हैं उन दोनों को एक साथ एक संयुक्त परीक्षा से अपॉइंटमेंट कराना न्याय संगत नहीं है, इसी को हमने चैलेंज किया था, जिस पर आज माननीय न्यायालय ने 4 हफ्ते के अंदर सचिव मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट को देने के लिए, जवाब देने के लिए कहा है। और साथ ही ये भी कहा है कि ये सिलेक्शन प्रोसेस माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अधीन रहेगी। खबर मैंगलोर से है, जहां गांव देहात क्षेत्रों से ट्रैक्टर चोरी की घटना को अंजाम देने वाले गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश कर लिया है। पुलिस ने चोरी किए हुए 3 ट्रैक्टर व 1 कार को बरामद किया है। ट्रैक्टर चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को भी पुलिस ने धर दबोचा है। सभी आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं। घटना का खुलासा करते हुए SP देहात परमेंद्र डोभाल ने बताया कि देहात क्षेत्रों से घर के बाहर भी खेतों में खड़े ट्रैक्टर चोरी करने की घटना को अंजाम दिया करते थे। इनके खिलाफ पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने सभी लुटेरों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है। रात को 7-8 फरवरी की रात को एक ट्रैक्टर चोरी चला गया था एक पेट्रोल पंप के सामने से। तो CO लक्सर के नेतृत्व में और SOG हमारी जो CIU है उसकी और SO खानपुर की जो टीमों ने मिलके कल जो है एक अच्छी रिकवरी करी है, जिसमें 4 अभियुक्त हमें मिले हैं। हमें वो ट्रैक्टर बरामद हुआ, उसके साथ 2 ट्रैक्टर और बरामद हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर बैरीनाग और गंगोली हाट क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। बैरीनाग में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को ब्लॉक प्रमुख विनीता बाफिला के द्वारा सम्मानित किया गया। वहीं गंगोली घाट में विधायक मीना गंगोली और नगर पंचायत अध्यक्ष जयश्री पाठक ने विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। और विधायक मीना गंगोली ने कहा कि आज महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। हर क्षेत्र में महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है। और अगली खबर देहरादून से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राज्यपाल द्वारा एक अच्छी पहल की शुरुआत की गई है, जिसमें निम्न वर्ग की महिलाओं को साड़ी वितरित की जाएगी। आपको बता दें कि साड़ी बैंक के माध्यम से महिलाओं को निशुल्क साड़ी दी जाएगी, जिसके लिए महिलाओं को साड़ी लेने से पहले आवेदन करना होगा, जिसमें उन्हें बताना होगा कि साड़ी लेना के पीछे उनका क्या उद्देश्य है। वहीं राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने बताया कि साड़ी बैंक के माध्यम से निम्न वर्ग की जरूरतमंद महिलाओं को साड़ियाँ पहनने के लिए अच्छी साड़ियाँ मिलेंगी, जो कि इन सभी सुविधाओं से वंचित रहती हैं। और इन उनके पास शायद कोई पर्ची थी घर शंकर, और जो मुझे
एक साड़ी बैंक का भी आज हमने एक उद्घाटन किया है, जो गरीब बहनें हैं जिन पर साड़ियाँ नहीं होती हैं वो बेचारी कई बार तरसती रहती हैं कि कोई हमें अच्छी साड़ी होती तो हम शादी में पहन के जाते या कहीं और फंक्शन में जाते। तो इस ऐसी बहनों की सोच के लिए, क्योंकि मैं उन बस्तियों को जानती हूँ, उन मोहल्लों को जानती हूँ जहाँ महिलाएँ इन सब चीज़ों के लिए हमेशा परेशान रहती हैं, तो इसीलिए ये साड़ी बैंक का लॉन्च किया है आज। सो बेसिकली ये उत्तराखंड गवर्नर मैम का, रानी मौर्य, बीबी रानी मौर्य जी का इनिशिएटिव है। तो हम लोग, ये हमारी पूरी टीम है, सो हम लोग सिर्फ कलेक्शन करने का, पूरे हिंदुस्तान से साड़ियाँ कलेक्ट करने का काम करेंगे। और हमारा एक सेंटर होगा देहरादून में, जिस एड्रेस पे सारी साड़ियाँ आएंगी, एंड वहाँ से फिर यहाँ के लोकल एनजीओ को हम उसमें इन्वॉल्व करके, एंड फिर वहाँ से आगे वितरण का जो पूरा काम है यहाँ की लोकल बॉडी करेगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर थानों के बाला सुंदरी मंदिर परिसर में गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में महिला समाधान हेल्पलाइन की सदस्य ने महिलाओं को संबोधित कर उनके कानून की जानकारी दी। कार्यक्रम में ग्राम प्रधान रेखा बहुगुणा और कांग्रेस महिला सेवा दल की प्रदेश अध्यक्ष हेमा पुरोहित ने भी गोष्ठी में महिलाओं को संबोधित कर कहा कि आज समाज में महिलाएं पुरुषों से हर क्षेत्र में बहुत आगे हैं। आत्मनिर्भर बनकर महिलाएं स्वरोजगार से जुड़कर अन्य महिलाओं को रोजगार उपलब्ध करा रही हैं। सरकार भी महिलाओं की बेहतरी के लिए तमाम योजनाएं संचालित कर रही है, इसलिए हर महिला को जागरूक होकर अपने हक को लेने के लिए आगे आना होगा, तभी महिला सशक्तिकरण की परिभाषा पूरी हो पाएगी। क्योंकि देखो कानून और हमारा बिल्कुल, जिन्होंने आज लाल सफेद ड्रेस पहना है उनको मेरा स्पेशल अभिनंदन। पुरातन काल से महिलाओं के क्षेत्र में ही कार्य कर रही हूँ। 30 साल पहले, 40 साल पहले जो हालात थे, मैं आज उस हालात से एक दावे के साथ कह सकती हूँ कि पहले से बहुत बेहतर है। और पहले से बेहतर इसलिए है कि आज हमारी महिलाओं की आवाज उठना सीख गई है, वो ये सीख गई है कि रिपोर्टिंग कैसे करनी है। और चेंज जो है वो धीरे ही धीरे होता है, सडनली हम चेंज नहीं कर सकते चीजों को। मेरा कहना यह है कि यस, आज की महिला अब चुपचाप रह करके हिंसा सहने वाली महिला नहीं है। बेटियां भी बेटों से कम नहीं होती, इस स्लोगन को सार्थक कर दिखाया है मैंगलोर के छोटे से गांव हरचंदपुर निजामपुर की 26 वर्षीय दिव्यांग संगीता और 28 वर्षीय बीना ने। दोनों सगी बहनों ने जवान भाई की मौत के बाद परिवार की जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ले ली। दोनों बहनें पिता के साथ खेती बाड़ी से लेकर व्यवसाय तक की जिम्मेदारी बखूबी निभाती हैं। आपको बता दें कि पिता देवपाल सिंह का दूध की डेयरी का व्यवसाय है, इसके साथ ही खेती का काम भी, जिसमें छोटी बेटी डेयरी के व्यवसाय में पिता का हाथ बटाती है, तो वही बड़ी बेटी खेती बाड़ी के साथ पशुओं के चारे का इंतजाम करती है। महिला सशक्तिकरण की मिसाल ये बेटियां वाकई किसी बेटे से कम नहीं है। बता दें कि कस्बा मैंगलोर के छोटे से गांव हरचंदपुर निजामपुर की रहने वाली इस पूरे परिवार से पूरा गांव प्रेरणा लेता है। ये लड़की हैं, मैं लड़कों से अव्वल हैं, एक तो लड़के ही हों, ये लड़कों से भी अव्वल हैं। ये लड़की का भी काम खाना भी बनाना और लड़कों वाला भी काम करना, अपनी बुग्गी भरनी भी, गन्ना बेच के भी आना, उसे तैयारी भी, उगाना भी, सब कुछ काम काज मेरी तो लड़की ही करती हैं जब से मेरा लड़का गुजरा। हाँ, और जी इन्होंने पढ़ाई भी कर रखी, उनने बिना ना तो बीए कर ली, इंटर करके इन्ना एमकॉम बीकॉम। मैं जो मेरी लड़की है जिनकी शादी हो ली, मैं भी पढ़ी लिखी हैं, आगे के लिए मुझे दिख रहा है। एक तो आज लड़की है विकलांग, इसका कहीं नौकरी नाकरी होती तो शायद हम फिर एडजस्ट हो जाते, लेकिन इनकी शादी भी करनी है, आगे के लिए सोचना पड़ रहा। हम 5 भाई बहने हैं, 4 बहने हैं, एक भाई है मेरा छोटा। हमारा जो बड़ा भाई था वो 16 साल पहले एक्सपायर हो गया था एक्सीडेंट में, तो उस वजह से हमें घर की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। मम्मी पापा बीमार है काफ़ी समय से, और तब से तो ज़्यादा ही बीमार हो गए जब से भाई एक्सपायर में, तो इस वजह से घर की सभी जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। मैं बाहर के जितने भी काम है, इधर बैंक जाने का, कचहरी जाने का, या हमारी जो दुकान है उस पर जाने का, सामान लाने का, किराना वगैरह जो भी है मैं सब देखती हूँ। और मेरी जो दूसरी बहन है बीना, वो खेत का काम संभालती हैं। मेरे हम 5 बहन भाई हैं। बड़े भाई जो थे मेरे में
16 साल पहले एक्सपायर हो गए थे, तब से पापा बीमार रहे, उन सब वे दिल के मरीज हैं, तो उन सब खेत का काम संभलता नहीं, तो खेत में उन पापा की मदद कर दूं, जैसा कि वो पापा खेत चले जाएं बस, और बाकी जो खेत का काम है वो मैं कर दूं। सितारगंज में एनआरएलएम कार्यालय पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, जिसका शुभारंभ ब्लॉक प्रमुख ने किया, जिसमें विकास खंड के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने प्रतिभाग लिया। कार्यक्रम में महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में बताया गया, ताकि नारी को सम्मान मिल सके। बता दें, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति सम्मान, प्रशंसा और प्यार प्रकट करते हुए इस दिन को महिलाओं के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों के उपलक्ष्य में उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। प्रोडक्ट्स तो बहुत सारी महिलाएं बना रही हैं, क्योंकि हमारा जो एनआरएलएम है उसको चलते हुए पूरे 4 साल हो चुके हैं, तो हमने ऑलरेडी 900 एसएचजी कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें से 850 को आरएफ जो 10,000 होता है मिल चुका है, और 325 को हमारा सीआईएफ भी मिल चुका है, और हमारी 600 महिलाओं को सीसीएल भी हम करा चुके हैं। ऑलरेडी फंडिंग सबको हो चुकी है, ग्राम संगठन हमारे यहाँ पर सर 88 बन चुके हैं और सीएलएफ हमारे 5 बन चुके हैं, तो जहाँ तक हमारा कम्युनिटी डेवलप करने का प्लान था वो सारा सक्सेस हो गया है। अब जो सरकार का मेन फोकस है एनआरएलएम में, वो सिर्फ यही है कि महिलाएं अपने ऊपर डिपेंड हो जाएं। खबर डोईवाला से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर डोईवाला नगर पालिका परिषद में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं को स्वच्छ भारत अभियान को आगे बढ़ाने के साथ ही सूखा व गीला कचरा अलग अलग डालने की अपील की गई। इस दौरान नगर पालिका डोईवाला के ईओ विजय चौहान ने कहा कि नगर पालिका क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में सुलभ शौचालय भी बनाए गए हैं, जिनमें महिलाओं की सुविधा के लिए 5 रुपये में एक सैनिटरी नैपकिन का इंतजाम किया गया है, जिससे महिलाएं 24 घंटे लाभ ले सकती हैं। साथ ही कहा गया है कि महिलाओं का स्वच्छता में अहम योगदान रहा है, जिसको लेकर कार्यक्रम में महिला पर्यावरण मित्र को भी सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, और ये दिवस इस वजह मनाया जाता है कि हम महिलाओं को सशक्त बनाएं। ऐसे में जो नगर पालिका सीमा में अच्छा कार्य कर रही हैं हमारी महिलाएं, चाहे वो स्वच्छता से संबंधित हो, चाहे वो स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री चला रही हैं, जैसा कि उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं आपको, यहाँ पर एक महिला ग्रुप है जिसमें कि वो लोग जो है हर्बल रंग बना रहे हैं, जो कि आपका आटे से, मैदे से और अन्य हर्बल चीजों से बना रहे हैं। बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं न्यूज़, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अपने दावे और वादे पर खरी उतरी है। अपने दमदार काम से प्रदेश में विकास की गति देते हुए यूपी को संवार रही है। यूपी में जो 70 सालों से नहीं हुआ, उसे योगी सरकार ने 4 सालों में कर दिखाया है। राजकीय विद्यालयों में आधुनिक तकनीक के माध्यम से शिक्षा, प्रतियोगी छात्रों को कोचिंग की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, बीते 70 सालों में सबसे अधिक विकास योगी सरकार में हुआ है। आगामी 50 सालों के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का आधार तैयार किया, 15 लाख से अधिक लोगों का कोरोना वैक्सीनेशन, आयुष्मान योजना में 1.18 करोड़ परिवारों को 5 लाख का कवर दिया, 40 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति और निर्माण, 4 सालों में 4 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी, गन्ना किसानों को 1.25 लाख करोड़ का रिकॉर्ड भुगतान, 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का तेजी से निर्माण, 2 करोड़ 61 लाख शौचालयों का निर्माण कराया,
योगी सरकार ने विकास की दृढ़ इच्छा शक्ति से अपने काम के दम पर यूपी की तस्वीर बदल कर रख दी है। काम दमदार योगी सरकार। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और इसी के साथ आइए आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैत्री पुल का शुभारंभ कर रहे हैं। करोड़ रुपए के विशेष पैकेज से उनके जीवन में बहुत सकारात्मक परिवर्तन आएगा। साथियों, जब घर घर जल पहुंचता है, बिजली पहुंचती है, स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचती हैं, तो हमारे जनजातीय क्षेत्रों को इसका विशेष लाभ होता है। यही काम केंद्र और त्रिपुरा की सरकारें मिलकर आज कर रही है। आगिनी हाफांग, त्रिपुरा हस्तेनी, हुकुमोनो सिमिया, कुरुंग बोरोकबो, सुकुल गई तेनी खा त्रिपुरा नानी गुनांग तेई नाई थो, हुकुमोनो चुंब बोरोम या फर नानी चैखा तेई कुरुंग बोरोक रोकनो वो सोई बोरोम याफा रखा। अगरतला एयरपोर्ट को महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य जी का नाम देना त्रिपुरा के विकास के लिए उनके विजन का सम्मान है। त्रिपुरा की समृद्ध संस्कृति और साहित्य की सेवा करने वाले सपूतों श्री थंगा डॉरलोंग जी, श्री सत्यराम रियांग जी और बेनीचंद जमातिया जी को पद्मश्री से अलंकृत करने का सौभाग्य भी हमें ही मिला है। संस्कृति और साहित्य के इन साधकों के योगदान के हम सभी ऋणी हैं। बेनीचंद्र जमातिया जी अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका काम हम सभी को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। साथियों, जनजातीय हस्तकला को, बेंबू आधारित कला को प्रधानमंत्री वन धन योजना के तहत प्रोत्साहित करने से जनजातीय भाई बहनों को कमाई के नए साधन मिल रहे हैं। मुझे बताया गया है कि मूली बांबू कुकीज को पहली बार पैकेज प्रोडक्ट के रूप में लॉन्च किया गया है। ये प्रशंसनीय काम है। ऐसे कार्यों का विस्तार लोगों की और मदद करेगा। इस वर्ष के केंद्रीय बजट में भी जनजातीय क्षेत्रों में एकलव्य मॉडल स्कूल और अन्य आधुनिक सुविधाओं के लिए व्यापक प्रावधान किया गया है। मुझे विश्वास है कि आने वाले साल में त्रिपुरा सरकार ऐसी ही त्रिपुरा वासियों की सेवा करती रहेगी। मैं फिर एक बार विप्लव जी और उनकी पूरी टीम को, प्रशासन के सभी अधिकारियों को, जनता की सेवा के लिए 3 साल जो उन्होंने मेहनत की है, आने वाले समय में उससे भी ज्यादा मेहनत करेंगे, ज्यादा सेवा करेंगे, त्रिपुरा का भाग्य बदल के रहेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। त्रिपुरा के स्नेहपूर्ण आशीर्वाद प्रदान करने। तो ये थे दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने मैत्री पुल का आज शुभारंभ किया और इसके लिए पूरे देश के साथ ही तमाम बांग्लादेशी लोगों को भी धन्यवाद बोला है। आगे बढ़ेंगे और अगली खबर नैनीताल से है, जहां पर स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी नैनीताल के जिला मुख्यालय हॉस्पिटल का निरीक्षण करने को पहुंचे हैं। यहां पहुंचकर उन्होंने हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना, साथ ही वार्डों का जायजा भी लिया।
स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने कहा कि बीडी पांडे हॉस्पिटल में व्यवस्थाओं का जायजा लिया है, जिसमें अभी बहुत कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। हॉस्पिटल में डॉक्टरों, नर्सों और स्पेशलिस्ट की कमी को जल्द ही दूर कर लिया जाएगा। हम लोग अभी रामसे का भी इंस्पेक्शन करेंगे और उसके लिए अलग अलग तरह की जो सुबह हमारी अपने डॉक्टर्स से बात हुई उसको किस मोड से संचालित करना है वो हम लोग देखेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि उसको हम शीघ्र संचालित करें, चाहे गवर्नमेंट मोड में हो चाहे वो पीपीपी मोड में हो। हमारा मेन प्रयास ये रहेगा कि हमारे नैनीताल और उसके आसपास के सराउंडिंग एरियाज़ में हेल्थ फैसिलिटी को बेटर करने के लिए रामसे का जो बेस्ट उपयोग है उस पर हम लोग विचार करते हैं। और अगली खबर लक्सर से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर लक्सर राजकीय डिग्री कॉलेज में भाषण और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर कई छात्राओं ने महिला सशक्तिकरण पर ओजस्वी भाषण के माध्यम से महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने पर जोर दिया। वहीं कुछ छात्राओं ने समाज में बेटी बेटी में फर्क करने की सोच पर भी चोट की है, साथ ही भ्रूण हत्या पर चिंता जताते हुए इस पर पूरी तरह से रोक लगाए जाने की मांग भी की। वहीं इसी मौके पर मुख्य अतिथि महिला सब इंस्पेक्टर तनुजा शर्मा ने कहा कि अब जमाना बदल चुका है, आज की महिला हर क्षेत्र में आगे आकर देश और समाज की तरक्की की उन्नति की नई सीढ़ियां बना रही है। सर, ऐसा है कि महिला दिवस जो मनाया जा रहा है इसकी जो मेन थीम इस बार है वो है चूज टू चैलेंज, मतलब चुनौतियों को स्वीकारना। सबसे हमने जो मैडम को बुलाया है वो इस वजह से बुलाया है कि इस साल की चुनौती COVID-19 थी और उस चुनौती का मैडम ने बहुत डटकर मुकाबला किया है। यहाँ राजकीय महाविद्यालय में आज अतिथि के रूप में आकर मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। ऐसा लगा जैसे मेरा बचपन जो है 5-10 साल मेरे को रिमाइंड हो गए होंगे। इस मौके पर मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी दी जा रही हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। सरकार के द्वारा और समाज के द्वारा दोनों ही स्तर पर हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अब ये हमारी वो होनी चाहिए, हमारी इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हम उन अपॉर्चुनिटी का अच्छी तरह से उपयोग करें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।